माफी में नहीं आया नाम, साहूकारों से 2 से 3% ब्याज पर रुपए ले रखे थे। साथ ही हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी से उन्हें आस जगी थी, लेकिन उनका नाम भी योजना में नहीं आया। ऐसे में वे काफी दिनों से परेशान थे। सोमवार को परेशान होकर उन्होंने जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमको नहीं मालूम, लेकिन कोई परिवार को मतलब रिश्तेदार को बताया उन्होंने तो मेरे माते 3.5 लाख रुपए कर्जा है, जिसके माते मतलब उन्होंने आत्महत्या। तो 3.5 लाख रुपए का कर्जा बताया, तो क्या कितने दिनों से परेशान दिख रहे थे आपको ये? हमको नहीं मालूम, उन्होंने मतलब हम परसों रोज भी बताया उन्होंने, कल परसों के रोज के मेरे माते कर्जा है। तो कैसे हुआ ये हादसा, कहाँ गए थे आप लोग जब ये हादसा? हम पड़ोने शादी में गए थे। शादी में गए थे? पड़ोने शादी में जा रहे, बाईपास पहुँच पाए थे, हमारे पास अतरे गाँव वालों ने फोन लगा दिया वापस। अच्छा, तो कि यहाँ आ जा घर पे, तुम्हारे पापा शांत हो। कारण तो क्या, हमें तो उस टाइम पे तो मालूम नहीं जी। और फिर हम तो शादी में चले गए पड़ोनिया, वहाँ से रास्ते में पहुँचे थे, गांव से फोन आ गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई साहब ख़त्म हो गया, वापसी लौट के आ गया। वो और फिर बाद में पता चला कि कोई रिश्तेदार से इनके 3.5 लाख रुपये कर्ज मांगा है ना। टेंशन में भी नहीं बताया हमें तो, मैं टेंशन में हूँ। अच्छा, मैं तो आज पता चला। अच्छा, ये किसान है नरसिंह लाल कटारे खेड़ी का, जो कल अपने घर के सामने पेड़ के पास लगा हुआ कबीला है, उसको मन कायम कर लिया है जांच के जारी। सर इसमें कहना है कि घर वालों का कि कर्ज भी था 3.5 लाख रुपए का इनके ऊपर, तो उसको लेकर क्या प्रशासन के संबंध में अभी जानकारी नहीं है, व्यवस्था में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई।